हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब जब हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपकी वेकेशंस होती है तो आप अलग अलग जगह घूमने जाते हो। तो जब आप अलग अलग जगह घूमने जाते हो तो आप किसके थ्रू जाते हो? कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट तो आप यूज़ करते होगे। कोई एरोप्लेन का यूज़ करता होगा, कोई बस से, कोई बोट से। और अगर कोई अपने नेटिव प्लेस जाएगा, जो बहुत गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का भी यूज़ करते होगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग जगह अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहे हैं। तो जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, आज के टाइम में तो आप इजीली इनसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन क्या जो एंसाइंट टाइम था, बहुत पुराने समय की अगर आप बात करें, तो उस टाइम में ये सब चीज़ें अवेलेबल थी जिनसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता था? तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे? जो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट आया, लोगों ने वाटर के थ्रू अगर कहीं पर जाना होता था तो उन्होंने एक नाव बनानी सीखी। जैसे मछलियां पानी में आसानी से तैरती हैं, तो उसी की शेप को देख के उन्होंने एक नाव बनाई। जो पेड़ होता है उसकी जो स्टेम होती है, मोटा तना होता है, उसको उन्होंने हॉलो कर दिया, यानी कि उसके बीच से सारा मटेरियल निकाल दिया और उसको हॉलो कर दिया। और हॉलो होने के बाद लकड़ी तो हल्की होती है वाटर से, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है और वो इसमें बैठ के इजीली ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार के बाद बैलगाड़ियाँ आ गई। लोग एनिमल्स का यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो बेटा, इसी तरह से जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, उसके बाद ऐसे ही इन्वेंशन होते चले गए। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स की बात करें, तो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं जो लैंड पे मूव करते हैं, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो वाटर में चलते हैं, जिनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो ऐसे ट्रांसपोर्ट भी हैं जो एयर में ट्रेवल करते हैं, जिनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो क्या आपको पता है ऐसे एग्जांपल्स जो लैंड पे चलते हैं, जैसे बस, कार, ट्रक, बाइक, स्कूटर, बहुत सारे हैं। जितने भी आप सड़कों पर जो व्हीकल चलते हुए देखते हो ना, सारे किस में आएंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वो भूमि पर चलते हैं और दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आएंगे? राइट, शिप, बोट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वाटर में चलते हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, पानी में चलने वाले। वहीं पर कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं जिस जो कि एयर में चलते हैं, जिनका मीडियम एयर है, जैसे एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर। आज हमारी लाइफ बहुत ही कन्वीनियंस हो गई है, जिससे हम इजीली एक जगह से कुछ ही टाइम में दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो ये ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से हम दूसरी जगह कैसे जाते हैं? बाय ट्रांसपोर्ट। अब जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम बीच में जो ये दूरी है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या हुआ? व्हाट इज डिस्टेंस? तो हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज, कोई भी चीज कितनी दूर है या कितनी लंबी है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। मीन्स अगर आप बोर्ड की लेंथ को देखो, तो ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का क्या हो गया? डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी है, या ये कॉर्नर वहाँ तक कितना लंबा है, तो दिस इज द डिस्टेंस। कोई भी फील्ड मेजर कर रहे हो, कोई भी प्लेस मेजर कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो उसके बीच में कितनी दूरी है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब इस डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करते हो, यानी कि किसी भी चीज की लेंथ को आप कैसे मेजर करोगे? तो बेटा, डिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज। मतलब कोई चीज एक दूसरे से कितनी दूर है या कितनी लंबी है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। लाइक लेंथ ऑफ अ टेबल,
अगर टेबल की लंबाई को मेजर करना हो, दैट इज द डिस्टेंस। फील्ड, किसी भी फील्ड की लेंथ क्या होगी, या एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है। तो लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ यूनिट। अब जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए आप कुछ ना कुछ यूनिट का यूज करते हो। जैसे अगर आपको किसी चीज की भी लेंथ बतानी है, कोई छोटी चीज है तो सेंटीमीटर यूज करोगे, कोई बड़ी चीज है तो किलोमीटर यूज करोगे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो क्या पहले भी ऐसे सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब होते थे? तो इन ट्रेडिशनल मेथड, अगर हम ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम की बात करें, तो मेजरिंग लेंथ वर द यूज वंस फुट, हैंड स्पैन और अदर बॉडी पार्ट्स। मीन्स पहले के जो लोग थे वो किसी भी चीज को मेजर कैसे करते थे? या तो अपने फुट, अपने पैरों से नाप के उसको मेजर करते थे, या अपने हैंड स्पैन उसको इस तरह से मापते थे। अगर हम इस बोर्ड की लेंथ को देखें तो वो अपने हैंड स्पैन से इस तरह से उसको मेजर करते थे कि कितने हैंड स्पैन, अगर हम आप देखें तो यहाँ तीन तक हो गया, तीन हैंड स्पैन। तो कोई कहेगा इस बोर्ड की जो हाफ लेंथ है वो तीन हैंड स्पैन की है। लेकिन अगर अभी तो मैंने मेजर किया, लेकिन अगर आप यहाँ आकर इसको मेजर करोगे तो क्या इसकी जो हाफ लेंथ है वो तीन ही रहेगी? आपके हैंड स्पैन तो छोटे होंगे ना, तो वो चेंज हो जाएगी। फिर कोई और बड़ा इंसान इसको मेजर करेगा जिसके हैंड स्पैन की लेंथ लंबी होगी, तो वो वेराई करेगी। इसलिए वो सारी जो चीजें पहले के टाइम में यूज होती थी वो रिलायबल नहीं थी। अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपके और आपका दोस्त एक बेंच को शेयर करते हैं, अब आप दोनों की फाइट हो गई और आपने उस डेस्क को हाफ हाफ बांटने का सोच लिया, तो आप उसको मेजर करोगे, अपनी साइड को मेजर करोगे अपने हैंड स्पैन से। तो आपने कहा कि ये पूरा बेंच चार हैंड स्पैन का है, तो दो मेरे और दो आपके दोस्त के, और आपने बीच में उसमें लाइन खींच दी। उसके बाद आपका दोस्त उसको मेजर करने लगा, उसके जो हैंड स्पैन थे वो फाइव थे, तो उसने कहा नहीं तुमने तो गलत मेजर किया है, तो दोबारा से फाइट हो जाएगी। तो ऐसे ही जो ये सारी चीजें हैं, अगर हम हैंड स्पैन का यूज करें, एल्बो का यूज करें, पैरों का यूज करें, या अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स का यूज करके किसी चीज को मेजर करते हैं या किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं, तो वो अनरिलायबल हो जाता है, मतलब वो ठीक माप नहीं देता। तो इसीलिए जो पुराने टाइम के जो ये सारी चीजें यूज करते थे, फुट, हैंड स्पैन, ये कैसे थी, पर्सन टू पर्सन वेराई करती थी। जिसका भी किसी की लंबी हैंड स्पैन है, किसी का छोटा है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर वेराई करती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए उसको सही नहीं माना जाता। तो इसको सही करने के लिए मॉडर्न मेथड का यूज किया जाने लगा। अब वो मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ रिलायबल यूनिट्स को डिस्कवर किया गया जिनके थ्रू हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़े डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के, वो रिलायबल नहीं थे। किसी से डिस्टेंस कम आता है, किसी से ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जो मॉडर्न मेथड हैं, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की डिस्कवर की, जो सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिट निकाली जिससे कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और वो पूरे ही संसार में सभी जगह यूज होती है, ताकि उस डिस्टेंस का, उसकी हर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ इक्वल आए। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीन्स अर्लियर द क्यूबिट वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट इन इजिप्ट। इजिप्ट जो देश है, यानी कि जो मिस्र है, उसमें सबसे पहले क्यूबिट जो स्टैंडर्ड यूनिट थी, क्यूबिट यूनिट का यूज किया जाता था। अब क्यूबिट क्या है, यानी कि जो आपकी फिंगर टिप्स हैं, फिंगर टिप्स से लेके आपकी एल्बो तक की जितनी भी लेंथ होती है उसको वन क्यूबिट बोला जाता है। अब इसको वन क्यूबिट बोलते हैं और इसी को यूज करते थे हर जगह मेजर करने के लिए। लेकिन फिर ये भी फेल हुई, क्यों? क्योंकि किसी की ये हैंड स्पैन जो ये लेंथ होती है फिंगर टिप्स टू एल्बो, किसी की ये हैंड की लेंथ लंबी होती थी, किसी की छोटी होती थी, तो इससे भी जो डिस्टेंस है या लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो भी वेराई करती थी, डिफरेंट डिफरेंट आती थी। तो फिर उसके बाद किसी दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट को डिस्कवर किया गया। तो नाउ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और द SI यूनिट। जो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब जो हर देश में एक जैसी हो, और उससे अगर कहीं पर भी मेजर करें, चाहे आप अमेरिका में मेजर करो, चाहे इंडिया में किसी चीज को मेजर करो, तो उसकी लेंथ सेम ही होगी। तो इसका मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स को अपनाया गया, एंड इट्स हैज बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ
मेजरमेंट पूरे देश में, पूरे संसार में ये सेम होती हैं, जो SI यूनिट है पूरे संसार में ये सेम होती हैं और हर कहीं पर इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये यूनिट क्या है, 1 मीटर, यानी कि अगर हम लेंथ की SI यूनिट देखें दैट इज मीटर। किसी भी लेंथ को अगर हम मेज़र करेंगे कहीं पर भी जाके, देश के किसी भी कॉर्नर पे जाके या किसी भी कोने में जाके आप अगर किसी लेंथ को मेज़र करेंगे तो SI यूनिट इज मीटर। वहीं पर अगर आप किसी चीज़ को वजन करते हो तो जो वेट है उसकी SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम में उसको मेज़र करते हो। वहीं पर जब आप टाइम मेज़र करते हो तो टाइम की SI यूनिट दैट इज सेकेंड। वॉट इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब जो मीटर है अगर उनको छोटे डिस्टेंस को मेज़र करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसको मेज़र करना है तो उसको आप मेज़र करोगे सेंटीमीटर में। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं पर अगर किलोग्राम की बात करें लेकिन उससे छोटे अगर वजन आपको मेज़र करना है तो आप उसको ग्राम में करोगे। तो ऐसे ही 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अगर आपको मेज़र करनी है, अब टाइम तो 1 आवर में भी होता है, 1 मिनट भी होता है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट, यानी कि 1 मिनट का 60th जो पार्ट होता है दैट इज 1 सेकेंड। सो दीज आर द SI यूनिट और हर जगह इन्हीं को यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड टाइम। सो दीज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और वी कैन से दैट SI यूनिट। अब अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है, लाइक आपको कोई बॉक्स मेजर करना है, आपको कोई बॉक्स है या आपको अपना डेस्क को मेजर करना है जहां पर आप स्कूल में बैठते हो उसको मेजर करना है, तो आप किस चीज का यूज करोगे, ऑब्वियस स्केल का यूज करोगे। अब जो स्केल है उससे हम किसी चीज को कि ठीक तरह से कैसे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो गलत रीडिंग दे सकता है ना। अब अगर आप किसी भी बेंच को 2 से या 1 पे रख के मेज़र करोगे तो 1 यूनिट कम हो जाएगी, तो उसको हम सही तरीके से कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो बेटा हम किसी भी मीटर स्केल का यूज़ करके कैसे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, राइट। करेक्ट वे टू यूज़ अ मीटर स्केल, कोई भी आपके पास स्केल होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके स्केल होता है, तो उसका सही तरह से कैसे उपयोग करें कि आपकी जो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है वो गलत ना आए। फर्स्ट कीप द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, मीन्स आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है तो उसके टच में ही स्केल रखना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपको ये चौक है, इस चौक की लेंथ को मेजर करना है, तो आप क्या लोगे, एक स्केल लोगे और स्केल को इस ऑब्जेक्ट्स के, इस मीटर स्केल के बिल्कुल टच में रखोगे, लाइक ऐसे, ठीक है। ये हमने इसके पास रख दिया और जो मेजरमेंट है, अब मेजरमेंट कहाँ से करोगे, स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क ऑफ द स्केल, जो इस पे 0 लगा होगा ना, जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से इसको मेजर करना स्टार्ट करोगे। और ये हमारा आ गया 7.2, 7.2 पर ये चौक की लेंथ है, यानी कि 0 से लेके अगर हमने इसको यहाँ लास्ट पॉइंट तक इसको मेज़र किया तो दैट इज 7.2 तक ये मेज़र हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे चौक की लेंथ कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर जब हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो मेन जो हमें मेज़र इसको करना है, मेन चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, यानी कि जब हम इसको देख रहे हैं तो देखते टाइम हमें इसको बिल्कुल इस तरह से देखना है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे या लेफ्ट या राइट कहीं से भी देखेंगे तो उसकी मेजरमेंट गलत हो सकती है, तो इसलिए हमेशा आइज़ को सेंटर में रखना चाहिए। मीन्स पहले तो किसी भी चीज़ को जिसको हम मेज़र कर रहे हैं उसको उसके टच में रखना चाहिए स्केल के। सेकेंड, हमें जो मार्किंग है वो 0 से ही करनी चाहिए। थर्ड बात का क्या ध्यान रखना चाहिए, जो आई पोजीशन है इन सेंटर वो करेक्ट होती है, मतलब हमारी आइज सेंटर में होनी चाहिए, बीच से हमें देख के उसको मेज़र करना है। अगर हम लेफ्ट या राइट डायरेक्शन से उसको मेज़र करते हैं तो हमारी रीडिंग इनकरेक्ट हो सकती है। तो अगर मान लो जैसे हमने कहा कि अभी 0 से हमें मेज़र करना है, हमारे पास ये 2 स्केल हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मेज़र करें, कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पर हमने रखा, तो इसकी लेंथ हम इस रीडिंग तक मेज़र कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ तो 0 है, लेकिन अगर ये स्केल है जो आगे से ब्रेक डाउन है, टूटा हुआ है, इसकी रीडिंग कहाँ से है, 3 से है, आगे का स्केल क्या है, टूट गया है, तो अगर आपको कोई ये स्केल दे और कहे कि इसको मेज़र करो,
तो अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पर, तो हमारी रीडिंग कहाँ से आई थी, 0 से 3 तक आ गई थी चोक की लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो ये हमारी रीडिंग दे रहा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर हम इस स्केल को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारी रीडिंग दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 3 दे रहा था 3 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, क्या चोक की लेंथ लंबी हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब क्या गलती हुई हमसे, क्योंकि हमारा जो स्केल था आगे से टूटा हुआ है, 0 पॉइंट उसमें है नहीं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3 है, तो हम 3 को क्या मान के चलेंगे, 0। और जब हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो इसमें कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गई, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब ये 6 की बजाय हमारा 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब अगर स्केल की रीडिंग 0 से नहीं है और किसी भी नंबर से है तो हम उसको 0 मानेंगे और अगले वाले को 1 मानेंगे, और वहाँ से 1, 2, 3 काउंट करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। अब ये तो था सीधी लाइनें या सीधा ऑब्जेक्ट जिसको हम इजीली स्केल से मेज़र कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई कर्व्ड लाइन है, कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर आपको दे दे कि इस सर्कल का माप बताओ या इस सर्कल की लेंथ बताओ, तो आप कैसे मेज़र करोगे? अब स्केल को, तो स्केल हमारे पास ऐसा है, स्केल को इससे कैसे मेज़र करेंगे, नहीं हो सकता ना। तो अब क्या करें, तो अभी हम सीखेंगे कर्व्ड लाइंस की लेंथ को मेज़र करना। तो बेटा हम कर्व्ड लाइन को भी आसानी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, टेक अ थ्रेड एंड टाई अ नोट एट वन एंड। आपको एक धागा लेना है, इस तरह से आप एक धागा लोगे और उसके इस एंड पे एक टाई लगा दोगे, ठीक है, एक नोट को टाई कर दोगे, गांठ बांध देनी है आपको एक कॉर्नर पर। अब क्या करोगे, आफ्टर दैट फ्रॉम दिस एंड मेजर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो जो भी आपको कर्व्ड लाइन दी हुई है, तो मान लो आपको इस तरह की ये लाइन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप इस धागे का ये वाला पोर्शन एक एंड पे रखोगे और इसको एक तरफ से उंगली से पकड़ के इसकी कुछ दूरी को मेज़र कर लोगे इस तरह से। अब इतना पोर्शन मेज़र करने के बाद यहाँ थंब को रखोगे, इसके बाद इसको इस तरह से आगे मेज़र करोगे, फिर आप इसको इस तरह से ले जाओगे और जहाँ तक पॉसिबल है उसको थंब लगा के इजीली उसको मेज़र करते जाओगे, फिर यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ तक इसको मेज़र कर लोगे। यानी कि आपकी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इस कर्व्ड लाइन की लंबाई है। जो ये कर्व्ड लाइन हमने ली थी इसकी लेंथ इतनी है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और उसे मेज़र करेंगे। जैसे हमारे पास ये स्केल है, तो इसको हम इसके 0 पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और जो बाकी का लंबाई है उसको हम यहाँ तक रखेंगे। तो ये हमारा है 17 पॉइंट तक, यहाँ तक। तो 17 यानी कि इस कर्व्ड की लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो इसकी हम कितनी लिख दें, 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप धागे की सहायता से किसी भी कर्व्ड लाइन की लेंथ को आसानी से मेज़र कर सकते हो। तो बेटा इस तरह से हमने जो डिस्टेंस होता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उनको हम किस किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, या ट्रेडिशनल टाइम में लोग कैसे मेज़र करते थे, मॉडर्न टाइम में जब SI यूनिट डिस्कवर हुई उनको कैसे मेज़र कर सकते हैं, और कर्व्ड लाइन को हम कैसे इजिली मेज़र कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है और किस किस टाइप के कोई ऑब्जेक्ट मोशन प्ले करता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा हम मोशन की बात करें, तो मोशन की बात करने से पहले दो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। फर्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है, और सेकेंड, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। मीन्स क्या डिफरेंस है, कौन सी स्टेट रेस्ट होगी। मीन्स अ बॉडी इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब वो समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती है। मान लो कोई लड़का है या कोई गाड़ी है, कोई लड़का है वो यहाँ खड़ा है, और अगर वो 5 मिनट के बाद भी सेम ए पोजीशन पर ही खड़ा है, तो इसका मतलब उसने कोई पोजीशन चेंज नहीं की, समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये लड़का रेस्ट में है। लेकिन मोशन में किसको कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम मोशन कहते हैं। जैसे अब ये लड़का यहाँ पर है बी पर, और कुछ टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद
इसको देखा गया सी पॉइंट पर, तो यहां बीच में कितने टाइम लगा, 5 मिनट, और पहले कहां पर था, बी पर था, फिर कहां पर मिला, सी पर, तो इसका मतलब इसने इन 5 मिनट के दौरान अपनी पोजीशन चेंज की है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मोशन में था। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन में कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कहते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। तो इस तरह से हम रेस्ट और मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। What other types of motion? अब हम type of motion की बात करेंगे। Different types के motion के बारे में हम discuss करेंगे, like the straight line motion, जिसको हम rectilinear motion भी कहते हैं, circular motion, periodic motion और rotational motion या rotatory motion and also the random motion। तो first हम discuss करेंगे straight line motion यानी कि rectilinear motion। Rectilinear motion या जिसको हम straight line motion भी कहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करता है या सीधी रेखा में चलता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। अगर कोई सीधा रेलवे ट्रैक है और उस पर कोई ट्रेन चल रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ऐसे ही कोई अगर लड़का है, जैसे आपकी स्कूल में चिल्ड्रंस डे पर रेस होती है तो आप 100 मीटर की रेस लगा रहे हो, उसमें आप सीधे दौड़ते हो, तो वो कौन सा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन है। 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जब आप एक सीधी सड़क पर परेड करते हो तो जो मार्च फास्ट होती है दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन मोशन। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो चींटियां होती हैं ऐसे सीधी दीवार के ऊपर एक सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे एक के बाद एक चलती रहती हैं, तो दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी सरल रेखा में गति करता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर वे में, गोलाकार में ऐसे गति करता है कि उसका बीच वाले बिंदु से चारों दिशाओं में डिस्टेंस इक्वल रहता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब वो कैसे रहेगा, जैसे मान लो ये एक मिडल पॉइंट है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर उसने गति की, यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन जब हम उसको मेज़र करते हैं उसका ये डिस्टेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसको मेज़र करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा उसका सेम रहता है, तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि जो दीवार घड़ी होती है या कोई भी जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो मूव करती हैं सर्कुलर वे में, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्योंकि जब वो 12 बजे यहाँ पर होंगी या 6 बजे यहाँ पर होंगी, 3 बजे यहाँ पर होंगी, 9 बजे यहाँ पर होंगी, जब भी उनके सेंटर से हम उनकी दूरी को मापते हैं तो उनकी लेंथ तो इक्वल ही रहती है ना, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसे ही मोशन ऑफ अ व्हील, कोई भी गाड़ी चल रही है उसका व्हील क्या हो रहा है, पहिया रोटेट हो रहा है, तो वो जो उसकी बीच की दूरी है उसकी हर पॉइंट पर इक्वल रहेगी, तो यानी कि वो गोल गोल घूमकर जब चलता है तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसा ही आप एग्जांपल ले सकते हो फैन का, जब कोई फैन चलता है, लाइक टेबल फैन का एग्जांपल ले लो, तो टेबल फैन मूव कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ऐसे ही आप अपनी सराउंडिंग में से ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनमें से स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा है और सर्कुलर मोशन कौन सा है। तो नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन कौन सा होता बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन पोजिशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी मीन पोजिशन यानी कि अपनी जगह से आगे या पीछे की तरफ मूव करता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को यानी कि जिस चीज़ पर वो चल रहा है, जिस भी रास्ते से वो जा रहा है, उसको बार बार रिपीट करता है, उसी रास्ते को बार बार दोहराता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स
पाथ, अगर वो अपने रास्ते को दोहरा रहा है या आगे की पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैसे? जैसे एक पेंडुलम है, एग्जाम्पल मोशन ऑफ एन पेंडुलम, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो आगे और पीछे की तरफ अगर मूव करेगा, लाइक ये एक स्ट्रिंग है, धागे से कोई बॉल लटकी हुई है, अगर ये एक बार इधर जा रही है और एक बार इधर जा रही है, तो ये क्या कर रही है? ऐसे अगर इससे कुछ लटका दे, एक बार ये इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? आगे और पीछे मूव कर रहा है, और साथ में ही क्या कर रहा है? अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, बार बार उसी रास्ते से आ रहा है, जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है उसकी नीडल आपने देखी होगी, उसकी जो सुई होती है वो इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव करती है। तो जो ये मोशन है, अप एंड डाउन जो मोशन है, वो क्या कर रही है? अपने पाथ को रिपीट कर रही है, उसी रास्ते से आ रही है, उसी पे जा रही है। तो इस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। तो जैसे कोई टहनी है, पेड़ों की टहनियाँ हैं, जब हवा आती है तो वो मूव करती हैं, आगे पीछे ऐसे टहलती हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। जैसे कभी कई बार आप क्या करते हो, झूले पर झूलते हो, तो एक बार आप आगे जाते हो, एक बार पीछे आते हो, एक बार आगे जाते हो, एक बार पीछे आते हो, तो ये कौन सा मोशन है? ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसे जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या तो वो आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, बार बार उसी रास्ते से आ रहा है, जा रहा है, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मतलब बेटा कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में, मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एनी डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है और बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो ऐसे मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन? जैसे काइट फ्लाइंग इन द एयर, आप जैसे पतंग उड़ाते हो, तो पतंग आपकी कहीं भी जाती है ना, किसी भी डायरेक्शन में जाती, कभी हवा के साथ इधर, कभी इधर, तो वो कौन सा मोशन है? रैंडम, कोई ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना सर्कुलर है, ना अपने पाथ को रिपीट करता है। तो उस जो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता और किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है या बार बार अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, उस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। नेक्स्ट, फिश स्विम अंडर वाटर। मछली जब पानी में तैरती है तो वो स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा मूव नहीं करती ना, कैसे मूव करती है? इस तरह से, कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर, तो वो क्या है? रैंडम मोशन कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लाइंग ऑफ अ मॉस्किटो। मच्छर को उड़ते हुए देखा है, कितना मुश्किल होता है ना उसको कैच करना, तो वो कौन सा मोशन है? इधर उधर जो मोशन मूव करता है मॉस्किटो, इट इज द मोशन ऑफ रैंडम मोशन है वो। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ स्मोक। कई बार आप अगरबत्ती जलाते हो या कहीं पर आग जब जलाते हो, तो उसमें से जब धुआं निकलता है, धुएं का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना, कैसे होता है? इस तरह से घूमता हुआ, हवा के साथ जिधर भी आता है उस तरफ वो मूव करता रहता है, यानी कि बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो बेटा, इस तरह से हमने डिस्टेंस को मेजर करना सीखा और डिफरेंट टाइप्स के मोशन को सीखा, कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, कब मोशन में होता है, और कौन ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है, तो किस तरह वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है या सर्कुलर, पीरियोडिक और रैंडम मोशन कहलाता है, इन सब के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देख कर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।